प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में विश्व के पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, विगत क्लास में भी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा के पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन कौन से हैं, इसको अपन विश डायग्राम समझा था। और भी विश्व के बहुत सारे, जैसे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, इनमें पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जिसमें आज अपन जो यूरोप का प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण ये रेल मार्ग है जो यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, ये यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है, जिनमें से 6 देशों की राजधानी है वो इसी रेल मार्ग पर पड़ती है। ये ली हार्वे और पेरिस को यूरोपीय, जो तुर्की की राजधानी है, तुर्की या टर्की, इसकी राजधानी है इस्तांबुल, इस्तांबुल से मिलता है। यानी ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है वो पेरिस से लेकर इस्तांबुल के बीच में बनाया गया है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस से प्रारंभ होकर ये मारने नदी के समानांतर चलता हुआ, फ्रांस की नदी है मारने, तो पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहाँ से शुरू होकर के मारने नदी के समानांतर चलता हुआ पूर्वी पठारी भाग में स्थित नैन्सी नगर पहुँचता है। ये फ्रांस में लो इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जो नैन्सी नगर है वो फ्रांस का महत्वपूर्ण लो इस्पात नगर का केंद्र है और वो इसी रेल मार्ग पर स्थित है, इसीलिए परिवहन की सुविधा इस औद्योगिक क्षेत्र को मिलती है। इसके पश्चात ये राइन नदी घाटी में स्थित स्ट्रासबर्ग पहुंचता है, जो जर्मनी में है, जो फ्रांस के प्रमुख नगरों में से एक स्ट्रासबर्ग है वो, यानी फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे हैं और राइन नदी घाटी पर स्थित है, फ्रांस का प्रमुख नगर है। यहाँ से फ्रांस की सीमा पार करके ये जर्मनी में प्रवेश करता है, स्ट्रासबर्ग यानी कि नगर से फ्रांस की सीमा पार करके ये जर्मनी में प्रवेश करता है। यहाँ ये मार्ग जर्मनी के औद्योगिक नगर है कार्लसरुए से होकर स्टुटगार्ट पहुँचता है, जर्मनी के औद्योगिक नगर है जो कार्लसरुहर और स्टुटगार्ट पहुँचता है। इसके पश्चात ऑक्सबर्ग होता हुआ ये म्यूनिख पहुँचता है, ऑक्सबर्ग होता हुआ म्यूनिख पहुँचता है, जो जर्मनी की राजधानी है, जो जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक नगरों में से एक भी मानी जाती है। तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया में यानी कि तत्पश्चात जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में प्रवेश करके साल्ज़बर्ग यानी कि पहुंचता है। यहाँ से उत्तर की ओर मुड़कर लीज नगर यानी कि जाता है, जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, जर्मनी में है। इसके बाद डैन्यूब नदी के समानांतर चलता हुआ इस मार्ग में वियना पड़ता है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी के रूप में एक सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ से ये हंगरी देश है, उसकी राजधानी है बुडापेस्ट तक जाता है। इसके बाद यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड को जोड़ता है और बुल्गारिया की राजधानी शोपिया को छूता हुआ प्लेड यानी कि प्लोवडिव से होता हुआ यूरोपीय टर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंच जाता है।
यानी ये इस्तांबुल को आगे जो है ये इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जोड़ने वाली एशियाई रेल मार्ग का भी निर्माण प्रस्तावित है। तो इस प्रकार जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे है, देखो ये फ्रांस है, ये जो फ्रांस का एरिया है, इस फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस एक क्या है, पतन भी है, बंदरगाह भी है। तो पेरिस एक इंडस्ट्री क्षेत्र भी है, पतन भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर लो इस्पात फाल वगैरह इसका खूब सारा आयात और निर्यात होता है। तो यहाँ से ये रेल मार्ग है वो फ्रांस, फ्रांस के बाद में जर्मनी, जर्मनी के बाद में जर्मनी के जो प्रमुख नगर है जिसमें म्यूनिख प्रमुख नगर माना जाता है, इसके अलावा यानी कि जर्मनी के और भी जो कॉल्सबर्ग वगैरह जितने भी इंडस्ट्रीज नगर है उनको जोड़ता हुआ ये ऑस्ट्रिया, वियना, इसके बाद में सीधा यानी कि जो बुखाफेस्ट है, बुखाफेस्ट है, बेलग्रेड है, और जो सेगोस्लाविया की राजधानी हंगरी है, सोफिया है। तो यहाँ से हंगरी देश से, और इसके अलावा ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सेगोस्लाविया से होता हुआ ये तुर्की तक पहुँचता है। तो यूरोप का ये जो क्षेत्र है, एक तो यहाँ क्या है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर यहाँ जो कृषि होती है ज़्यादातर ये इटली के अंदर, स्पेन के अंदर और पुर्तगाल, फ्रांस है, इनके अंदर जो कृषि होती है जिसको भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। और इन भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर जो यानी कि अंगूर है, अंगूर, अंजीर, अंजीर, नाशपति, नाशपति, सेब, इस प्रकार की कृषि होती है। तो इससे यहाँ से जितना फल फ्रूट वगैरह जितना अनाज यानी उत्पन्न होता है वो यहाँ पेरिस से इस पूर्वी यूरोपीय देशों के अंदर है वो निर्यात होता है। इसके अलावा ये तुर्की से जोड़ता है, और तुर्की से यहाँ एक और ऐसे रेल मार्ग निर्माणाधीन है जो तुर्की से ईरान, इराक, वाया यानी कि पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और आगे चीन तक जाता है। तो इस प्रकार ये चीन और यानी चीन तक निर्माणाधीन है, चीन जापान तक। तो ये पूरा, इससे क्या होगा कि पूरा पश्चिमी यूरोपीय देश, पूर्वी और ये जो मध्य एशियाई देश हैं, मध्य और पूर्वी एशियाई देश, वो इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ काला सागर है, काला सागर में प्रमुख नदियाँ गिरती है, डॉन, डेन्यूब, दीपर, निस्टर, और काला सागर जो यहाँ पे कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से ये जुड़ा हुआ है, और ये वोल्गा नदी है, यहाँ आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है, और इधर काला सागर और कैस्पियन सागर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इससे यहाँ से जो परिवहन की व्यवस्था है आंतरिक जल परिवहन की, वो इस्तांबुल पहुँचते हैं। इस्तांबुल से इन देशों के अंदर यूगोस्लाविया है, हंगरी है, या ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, जापान है, इन देशों के अंदर माल के आयात और निर्यात करने में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके साथ साथ जो जर्मनी का क्षेत्र है, जर्मनी है जो कोयला क्षेत्र है, रूअर क्षेत्र, राइन नदी घाटी का क्षेत्र है, तो ये राइन नदी घाटी के समानांतर है, फिर डेन्यूब नदी घाटी के समानांतर बहता है, इसीलिए लो एश्क है, लो इस्पात के जो यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है वो इसमें भी पड़ता है। और ये इस प्रकार महत्वपूर्ण जो यूरोपीय देश है इसको एक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाता है, इसीलिए आर्थिक रूप से इसका महत्व भी यानी कि अधिक माना गया है। और साथ ही साथ दूसरे जो औद्योगिक राष्ट्र है यूरोप के अंदर वो भी, उनको भी इनका फायदा मिलता है। तो मित्रों, दूसरा जो पारमादीपीय रेल मार्ग है वो है केप कायरा रेल मार्ग। देखो, केप कायरा रेल मार्ग है वो मिस्र की राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा, ये नील नदी के उत्तरी शोर पर स्थित है। नील नदी के उत्तरी शोर पर स्थित काहिरा जो मिस्र की राजधानी है,
यहाँ से प्रारंभ होकर के दक्षिणी अफ्रीका के कैपटाउन जो बंदरगाह है वहाँ से जोड़ने की योजना है। यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ने के बाद में इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो 14,000 किलोमीटर होगी, 14,000 किलोमीटर होगी। लेकिन अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, यहाँ जैसे मिस्र है और मिस्र के बाद में यहाँ सूडान है, तो मिस्र और सूडान के अंदर तो ये निर्मित है, मिस्र और सूडान वर्तमान समय के अंदर, मिस्र व सूडान इन देशों के अंदर यानी कि उत्तरी अफ्रीकाई क्षेत्र में ये निर्मित है, जो नील नदी का घाटी क्षेत्र पैदा है। और इसके अलावा दक्षिणी भाग है जहाँ जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका का जो भाग है, जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका का भाग है वहाँ पे निर्मित है। मध्यवर्ती जो भाग है जैसे विक्टोरिया झील है, मध्यवर्ती ये जो भाग है ये अधिक पर्वतीय क्षेत्र, ऊबड़ खाबड़ और घने वने वालों वनों वाला क्षेत्र है। तो सघन वनों वाला क्षेत्र होने की वजह से, ऊबड़ खाबड़ यानी कि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से और आर्थिक दृष्टि से ये अलाभकारी होने की वजह से या जनसंख्या विरल रहती है, इस वजह से मध्यवर्ती भाग के अंदर इस रेल मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में रेल मार्ग का निर्माण हुआ है। उत्तर के अंदर मिस्र और सूडान में हुआ है, जबकि दक्षिण के अंदर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हुआ है। अब ये जो नील नदी का जो घाटी का क्षेत्र पड़ता है मिस्र के अंदर या नील नदी घाटी के क्षेत्र के अंदर यातायात की सुविधा है, कृषि की दृष्टि से या खनिज की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए मिस्र और सूडान के अंदर इन रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। नील नदी है जो विक्टोरिया झील तक से निकलती है, तो विक्टोरिया झील तक इसका निर्माण कर दिया गया है और इसमें आंतरिक जल परिवहन की सुविधा भी नील नदी में उपलब्ध है। साथ ही साथ इसके किनारे पर यानी ये रेल मार्ग बनाया गया है और इसके अलावा यहाँ से समुद्री मार्ग गुजरता है जिसको भूमध्य सागरीय हिंद महासागर समुद्री मार्ग कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय हिंद महासागर जो समुद्री मार्ग है, जो पोर्ट शहीद से स्वेज पोर्ट, ये जो बंदरगाह है स्वेज पोर्ट, तो इससे इजराइल के क्षेत्र में भी इसके आसपास रेल लाइन से ये जोड़ दिया गया है और इस रेल मार्ग में मिला दिया गया है। तो यहाँ से जितने भी दक्षिणी जो यूरोपीय और पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं इससे ये जोड़ता हुआ इसको सीधे यानी कि एशियाई देश है जैसे भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश को ये जोड़ने का काम है वो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग करता है और वो इसी के तट पर यानी कि जो ये रेल मार्ग है वो स्थित है। तो ये पूरा रेल मार्ग यहाँ से अफ्रीका के आंतरिक भागों से जुड़ा हुआ है और साथ ही दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से भी जुड़ा हुआ है, दक्षिणी यूरोपीय देश है, पश्चिमी यूरोपीय देश है, उससे भी इसकी कनेक्टिविटी रहती है। इसके साथ साथ यहाँ दार ए सलाम छोटे छोटे रेल मार्ग बनाए गए हैं, जहाँ यहाँ एक तांबा पेटी पड़ती है जिसको कटंगा जामिबिया ताम्र पेटी कहते हैं। तो कटंगा जामिबिया ताम्र पेटी है, इस तांबा पेटी से यहाँ बंदरगाह दार ए सलाम तक यानी कि रेल मार्ग बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ से जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख औद्योगिक जो नगर है, खनन नगर है, जैसे जोहान्सबर्ग है, किम्बरले है, जो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा, सोना, तांबा इसके लिए भी ये जो जिम्बाब्वे, कटंगा, जामिबिया और दक्षिण अफ्रीका का जो रेल मार्ग है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके लिए भी यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दो स्टेट्स है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, एक तो मिस्र है और दूसरा यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर दक्षिणी अफ्रीका जो कंट्री है वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न मानी गई है। इस रेल मार्ग की यदि बात करें तो ये अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, फिर भी नावों, नदियों, सड़कों के द्वारा इससे अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी सिरे पर स्थित कैपटाउन से उत्तरी पूर्वी शोर पर काहिरा नगर की यात्रा तय करने का एकमात्र साधन है। ये रेल मार्ग कैपटाउन नगर से आरंभ होकर उत्तर को किम्बरले नगर पहुंचता है, किम्बरले जो
हीरे की सबसे बड़ी खान है और दक्षिणी अफ्रीका में है, जो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध भी है। किम्बरले से ये जिम्बाब्वे के प्रमुख नगर और उसकी राजधानी हरारे और बुलावियो पहुंचता है। इस मार्ग की एक शाखा है वो मोजाम्बिक के पूर्वी तट पर स्थित वीरा नामक समुद्री पतन तक चली जाती है। बुलावियो से प्रधान शाखा उत्तरी पश्चिम की ओर चलकर जाम्बेजी नदी पार करती है और वहाँ से ये रेल मार्ग इस नदी के उत्तरी किनारे पर विक्टोरिया प्रपात पर स्थित लिविंगस्टन नगर पहुँचता है और यहाँ से उत्तरी दिशा में ये जामिबिया को पार करता है। इसके बीच में ब्रोकन हिल्स नामक स्टेशन पड़ता है जो अनेक महत्वपूर्ण यानी धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ब्रोकन हिल्स है जो महत्वपूर्ण धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है और इसके पश्चात ये रेल मार्ग कांगो में प्रवेश करके एलिजाबेथविले नगर काहिरा जाने के मार्ग पर रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है और जो काहिरा और सूडान से रेल मार्ग आता है उसका अंतिम स्टेशन है एलिजाबेथविले। यहाँ से आगे सड़कें और झीलें हैं और टंगानिका विक्टोरिया झीलों में नावों के द्वारा और स्थल भाग में सड़कों के द्वारा पर्याप्त दूरी तय करनी पड़ती है और रेल मार्ग नील नदी के किनारे स्थित कोस्टी नगर से आरंभ होता है और वापस ये कोस्टी नगर से आरंभ होता है। यहाँ से ये रेल मार्ग नील नदी के समानांतर चलता है और सोनान, खारतूम, एतवारा आदि स्टेशनों को सड़क मार्ग व रेल मार्ग से पार करके वादी हाफा नगर पहुंचता है। यहाँ से असवान और वहाँ से पुनः काहिरा तक के लिए रेल मार्ग मिलता है जो नील नदी घाटी में नील नदी के ठीक समानांतर चलता है और काहिरा और सिकंदरिया मिस्र और उत्तरी अफ्रीका के प्रधान नगर कहलाते हैं। काहिरा जो मिस्र की राजधानी है और सिकंदरिया जो एक मुख्य पतन और औद्योगिक केंद्र भी है और वो इस रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के ये रेल मार्ग है वो काहिरा से कैपटाउन के मध्य पूर्ण निर्मित नहीं है। इसके उत्तरी भाग के अंदर मिस्र और सूडान में कुछ भाग में निर्मित है और दक्षिण के अंदर जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका में है। बीच का भाग है जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ इस रेल मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। वो बिल्कुल घने जंगलों वाला पहाड़ी क्षेत्र और उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, झीलीय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी झीलों के द्वारा नावों के माध्यम से, सड़क मार्ग के माध्यम से और फिर रेल मार्ग के माध्यम से इससे कैपटाउन से काहिरा तक पहुंचा जा सकता है और अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग कहलाता है। अफ्रीका के अंदर देखें तो अफ्रीका में ज़्यादातर जो जनसंख्या रहती है वो तीन क्षेत्रों में ही रहती है। एक तो ये जो नील नदी घाटी का क्षेत्र है, नील नदी घाटी का यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है और औद्योगिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा बीच का ये जो जाम्बेजी नदी, कटंगा, जामिबिया, ताम्रपेटी, इनके बीच का जो भाग है ये जो खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, यहाँ जनसंख्या रहती है। और तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र के अंदर भी खनन की दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से ये संपन्न क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। अफ्रीका महाद्वीप में तीन सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यातायात की सुविधा है। दक्षिणी अफ्रीका का भाग
जो कुछ जिम्बाब्वे का भाग भी शामिल है। मध्य के अंदर जेम्बेजी नदी और कांगो नदी का जो क्षेत्र है और जामिबिया कटंगा पेटी का क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका के अंदर जो नील नदी घाटी का क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या निवास करती है। बाकी ये भाग है वो पूरा मरुस्थलीय यानी कि सहारा मरुस्थल में पड़ता है। यहाँ सहारा मरुस्थल है और यहाँ जो मरुस्थल है वो कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ कालाहारी मरुस्थल है। तो विषम भौगोलिक दशाएं मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण इन तीन क्षेत्रों में ही अफ्रीका के अंदर सघन जनसंख्या पाई जाती है। और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने वाला ये मार्ग है जिसे कैप काहिरा रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट रेल मार्ग है जो ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग है जो अपन कल पढ़ेंगे।